नमस्कार तमाम कोसी न्यूज दर्शकों का स्वागत है। अभी हम कुर्सेला के समीप रामपरी युगेश्वरी इंटर कॉलेज के पास मौजूद हैं। हमारे पीछे एक बोर्ड दिखेगा नशा मुक्ति केंद्र का, जो आशा फाउंडेशन के तहत यहां पर संचालित हैं। कैमरामैन से हम चाहेंगे हमारे साथ बढ़ते रहिए। हम आज आपको दिखाएंगे कि कुर्सेला जैसे क्षेत्र में नशा मुक्ति केंद्र खुल चुका है, जो आशा फाउंडेशन के तहत जो संचालित है। क्या कुछ यहाँ पर सुविधा है और क्या कुछ जो नशा मुक्ति केंद्र के लिए यानी कि नशा छुड़ाने के लिए क्या कुछ किया जाता है, हमारे साथ सर मौजूद हैं। सर कोसी न्यूज में आपका सबसे पहले स्वागत है। आपका भी स्वागत है सर। क्या नाम है सर, क्या परिचय? मेरा नाम रवि कुमार शाह हो गया। क्या पद है सर आपके यहाँ? हम यहाँ का सेंटर मालिक हुए। चलिए तो हम सर से चलते हुए बात करते हैं कि ये जो नशा मुक्ति केंद्र यहाँ पर खोला गया है, क्या कुछ व्यवस्था है सर, क्या कुछ व्यवस्था है बताइए सर। यहाँ पे मेरा पहले सबसे पहले नशेड़ी को डिटॉक्सिफिकेशन किया जाता है, जिसके लिए हमको डॉक्टर मेरे पास आएगा, उसका दवाई लिख के तो उसको डिटॉक्सिफिकेशन में डाला जाता है। उसके बाद उसका जब डिटॉक्स जो उसको सीख होता है, जो उस चीज़ का तलब होता है, वो खत्म करने के बाद हम लोग का यहाँ पे क्लास चलता है जी। जैसे कि योगा, मेडिटेशन, इनपुट, सेशन बाय सेशन। क्या कि एक नशेड़ी एक ऐसा होता है उसका मन का बदमाशी होता है, क्योंकि हम नशा नहीं छोड़ पाएंगे, हमसे नहीं हो पाएगा। तो मेरा ये मानना है कि मेरे जैसा नशेड़ी जिस जो नशे के बिना एक मिनट नहीं रह पाता था, आज के दिन मेरा 5 साल क्लीन टाइम है। मैं भी ऐसा ही छूटा हूँ, जैसे हमको लगता है कि नहीं, मैं भी दूसरे को सुधार सकता हूँ। तो आज के दिन में मैं दूसरे सेंटर में सर्विस दे के काम सीख के टोटल उसके बाद अपना मैं सेंटर कुर्सेला में खोला हुआ हूँ। चले तो हम लोग अंदर लेकर चलते हैं, जहाँ पर पहले से यहाँ जो पेशेंट के तौर पर कुछ लोग मौजूद हैं जो नशा मुक्ति के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। सर हमको सारे चीज़ दिखाएंगे। ये देखिए यहाँ पर हॉल है व्यवस्था, और इधर भी देखेंगे, थोड़ा उधर घुमा के दिखा दीजिए जी। बताइए यहाँ पर जो आए हुए हैं अभी, ये लोग कहाँ से हैं, क्या कुछ है सर? कोई सर पूर्णिया का है, कोई भवानीपुर का है, कोई यहाँ कटिहार का है, कोई भागलपुर का है। उस टाइप से मेरे पास सब पेशेंट आए हुए हैं भर्ती होने खातिर। इसके फैमिली से हम लोग बात करके उसके बाद जिसको आने का मन है खुद से वो आ सकते हैं, नहीं तो हम लोग जाते हैं, पिकअप टीम भी हम लोग का जो उसको उठा के लाएगा, क्योंकि कोई भी नशेड़ी नहीं चाहता है कि मैं नशा मुक्त हो जाऊँ जी। तो लेकिन उसका परिवार जरूर चाहता है, फैमिली इसलिए चाहता है कि फैमिली में बेइज्जती, जो हम लोग जैसा हम लोग का इज्जत था हम लोग का फैमिली का, वो इज्जत खराब कर दी। हम लोग चोरी कर रहे थे एक समय में नशा पाने खातिर, क्या हम लोग भी फंसे हुए नशा में जी। ये मेरा मानना है। उसके बाद हम लोग अपना जैसे हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं, तो वो सब भी इसी टाइप से अपने आप को हमको देख के कि भैया जब ठीक हो सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं ठीक हो सकते। यानी कि वो जब आप पहले नशा करते थे, आपको जब उनसे फायदा हुआ, जब आप नशा छोड़ दिए, तब जाके आपने सोचा कि नहीं क्यों नहीं और भी लोगों का नशा मुक्ति करवाया जाए। तो मेरा भी यही मानना था कि जैसे हमको एक समय ऐसा लग रहा था कि हम कभी नशा नहीं छोड़ पाएंगे, तो मेरा फैमिली को मालूम चला कि नशा मुक्ति केंद्र होता है, तो मेरा फैमिली मुझे हमको बोला, तो हम अपने से तो गए नहीं, तो मेरा फैमिली हमको पिकअप करवा दिया बंगाल, तो वहाँ से आए तो कुछ दिन सही रहे। उसके बाद हमको फिर समझ में आया नहीं, अगर जब हमको जिंदगी भर नशा मुक्त रहना है तो मैं वहीं चले गया सर्विस देने का। तो वहाँ सर्विस देते देते हमको ऐसा लगने लगा कि नहीं, अब हमको भी कुछ करना चाहिए। मैं भी कोर्स किया काउंसलिंग का, उसके बाद मैं अपना सेंटर कुर्सेला में हम खोले। उसके बाद आज हमको लग रहा है कि मेरा पेशेंट लोग जितना भी है तो सबको हम ठीक कर सकते हैं। तो वैसा बहुत पेशेंट सर से हम और भी जानकारी लेंगे। एक बार इधर घुमा के दिखा दीजिए कि ये लोग बाहर से कई अन्य जिले से यहाँ पर हैं जो भर्ती हुए हैं कि नशा जो है वो छूट जाए। तो कोई भी अगर जो नशा करते हैं, उनका परिवार वाले चाहते हैं कि वो नशा छोड़ दे, वो अगर यहाँ पर आएंगे तो किस तरह से उनको क्या कुछ करना पड़ेगा उसके बारे में बताइए। उसको सबसे पहले मेरे पास आना होगा, मुझसे बात करना होगा कि क्या आपका है, कैसे हमको पेशेंट लाना है। तो उसको हम सब चीज़ बताएंगे कि मेरा ये फीस है, एडमिशन इतना है, मंथली इतना है। उसके बाद जब उसको पेशेंट को लेके आएंगे तो उसको एक बार डॉक्टर से भी दिखाया जाता है यहाँ पे, जो उसको हमको भी समझ में नहीं आता कि कौन पेशेंट को क्या है, क्या कि मैं भी एक नशेड़ी था। तो आज के दिन में हम उसको डॉक्टर को दिखाएंगे, तो डॉक्टर के हिसाब से मेरे पास दवाई चलता है कि कोई पेशेंट मेरा किसी को कुछ दिक्कत नहीं हो जी। उसके बाद जब वो ठीक हो जाएगा तो हम अपना डिटॉक्सिफिकेशन से बाहर निकाल के तब उसको हम योगा में सुबह में हम लोग का सुबह से रूटीन होता है, एक रूटीन उसको फॉलो करवाया जाता है। तो सुबह में हम लोग का होता है फर्स्ट आवर में पहले ब्रश व्रश करवा के उसका चाय पिला के तब योगा होता है हम लोग का फर्स्ट आवर में, ठीक। उसके बाद उसका साफ सुथरा, क्योंकि उसको खुद से प्यार करने हम लोग सिखाते हैं, क्या कि हम लोग एक ऐसा नशेड़ी थे कि हम लोग को जहाँ गंदा है वहीं बैठ के पीना है, जो जो कुछ होगा तो हमको वहीं बैठ के जहाँ जो जगह मिल जाए वहाँ बैठ चोरी छिपके से, क्योंकि पीना सामने तो नहीं होगा, चोरी छिपके जहाँ मिल जाए वहाँ नहीं। एक समय ऐसा भी आएगा ना कि हम लोग मम्मी पापा किसी का इज्जत नहीं करेंगे, जब हम लोग अपना मम्मी पापा का इज्जत नहीं करेंगे तो सोसाइटी में हम लोग का क्या इज्जत है। कोई कुछ बोलेगा तो हम उससे लड़ना स्टार्ट कर देंगे, किसी का मोबाइल देख लिया तो मोबाइल छीन लेंगे। तो ऐसा होता है एक नशेड़ी का, जैसे स्मैकर हो गया, जो भी तरह का नशेड़ी होता है उसका ये मानना है कि हमको नशा खातिर हमको जो करना होगा हम वो करेंगे।
समझे। चलिए तो देख सकते हैं कि कितना अच्छा पहल है। जैसा कि आपने बहुत जगह सुना होगा कि नशा मुक्ति जो केंद्र के तहत जो है नशा को छुड़ा दिया जाता है, लेकिन अब अपने शहर कुर्सेला में भी जो है यहाँ पर नशा मुक्ति केंद्र खुल चुका है जो आशा फाउंडेशन के तहत संचालित है। और अगर अधिक जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पर आपको इस संस्थान का नंबर और एड्रेस भी दिख रहा होगा। इस जगह पर आइए और सर से बात कीजिए किस तरह से आप नशा मुक्ति करवा सकते हैं अपने परिवारजनों का जिनके पास भी ये समस्या है। हालांकि कुछ हम पेशेंट से भी बात करेंगे जो यहाँ पे पहले से एडमिशन किए हुए हैं, जो यहाँ पे रह रहे हैं, क्या कुछ उसमें बदलाव हुआ है पहले से, सारी बात को। कब आए थे सर इस संस्थान में? हम जनवरी 1 में आए हैं। सर पहले का क्या कुछ था स्थिति और अभी क्या है उसके बारे में कुछ बताइए। पहले के नशा में तो बहुत बुरा हाल था, लेकिन एक पहल मेरे अंदर आ चुका था, क्योंकि जो भी हम नशा सब्सटेंस था मेरा वो उससे हम थक चुके थे, परेशान थे, घर परिवार बर्बाद, हर कुछ होता है, इज्जत प्रतिष्ठा समाज में जो भी है सब खत्म होता है धीरे धीरे। ऐसा लगा कि हमको सुधरना चाहिए, तो मेरा फैमिली आशा फाउंडेशन में, यानी कि आप जो है मन में ठान लिए कि नहीं हमें नशा छोड़ना चाहिए। तो आज वो समय है कि जब आप नशा अभी नहीं करते हैं, कोई भी नशा करते हैं कि नहीं करते हैं? बिल्कुल नहीं करते हैं। तो निश्चित रूप से जो पहले आप सम्मान खो चुके थे अपने समाज में वो सम्मान शायद अब वापस आने लगा होगा। उम्मीद है वापस आने का, ये तो नहीं कर पाएंगे कि वापस आ जाए। अभी आप जब यहाँ पे ज्वाइन किए सर, आप कभी घर गए हैं कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, ट्रीटमेंट का कोर्स होता है वो पूरा करने के बाद ही घर जाना। थोड़ा सर से जान लेते, कितना महीना का सर ट्रीटमेंट का कोर्स? मेरे पास 3 से 4 महीने का ट्रीटमेंट का कोर्स होता है। 3 या 4 महीने का कोर्स है। ये जो अभी पेशेंट हमारे साथ बैठे हुए हैं, क्योंकि इनसे बात करके हमको काफी अच्छा लगा, बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं, ये कितना दिन पहले एडमिशन लिए? इसका हो गया मान्य 2 महीने के जैसा हो गया। 2 महीना में इतना बदलाव? इतना बदलाव है, तो 3 महीना में ये हमको लगता है कि सही हो जाएगा जी। और कोई कोई होता है कि नहीं, 4 महीना उसको रखा जाता है, कोई कोई होता है 3 महीना में ठीक हो गया, उसको हम फैमिली के हाथ में सौंप देते हैं कि लीजिए आप, हमको जो दिए जैसा पेशेंट आप दिए हम आपको इंसान बना के आपको हम पेशेंट को दे दिए। अच्छा, एक कुछ भी कर सकते हैं ना नशे के समय में, तो हम उसको यहाँ पे देखिए, पहला क्या होता है ना, बहुत सेंटर में मारपीट होता है, इस सेंटर में उस टाइप का बात नहीं, यहाँ पे सब प्यार से समझाया, क्योंकि हम लोग भी समझते हैं कि हम लोग भी उसी टाइप के थे। जी बिल्कुल। चलिए हम कुछ इनसे ही और जानेंगे। सर आप जब यहाँ 2 महीना समय बिताए हैं, अभी रहते हैं, डेली का क्या रूटीन है, आप लोग को क्या क्या करवाया जाता है? डेली का रूटीन हम लोग का क्या होता है कि बाहरी दुनिया में हम लोग का समय टाइम ट्रेवलिंग का प्रॉब्लम होता है, लेकिन ये वही चीज़ हम लोग को यहाँ सिखाया जाता है, हर कुछ समय से जगना, योगा, मेडिटेशन, इनपुट, हर कुछ, पूरा दिन का शेड्यूल हम लोग का पूरा बिजी रहता है। क्या नाम है सर आपका? मेरा रोशन कुमार मंडल। आप कहाँ से यहाँ पे? हम अररिया जिला से बिलोंग करते हैं। अररिया से है। यस जी। चलिए तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में सर से एक बार जाना, सर जो लोग यहाँ आना चाहते हैं इस जगह का कुछ एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर बता दें। ये मेरा हो गया रामपरी कॉलेज के बगल में, मेरा मोबाइल नंबर हो गया 7209674046, और दूसरा नंबर हो गया मेरा 7209674500। चलिए तो जिसको भी लगता है कि नशा अपने परिवार में जो भी नशेड़ी हैं, चाहे वो आपके भाई बहन हो, पति हो, कोई भी हो, अगर उनसे छुड़वाना चाहते हैं नशा, तो आइए कुर्सेला के समीप रामपरी योगेश्वरी इंटर कॉलेज के पास जो है नशा मुक्ति केंद्र खुल चुका है। स्क्रीन पर आपको नंबर और एड्रेस भी दिख रहा है, आइए इस जगह पर संपर्क कीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।